ऐसी जगह जहां पर रहस्यमय तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में यहां पर करीब 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस एरिया का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल हमेशा से दुनिया भर के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, और ये मिस्ट्री आज से नहीं बल्कि लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बात है साल 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज के लिए निकले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर ही गुजरता था। उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ये रिपोर्ट करते हैं कि जब उनका जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तब उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस एक रात को जब अपने जहाज से निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान में एक आग का गोला दिखाई देता है। वो आग का गोला उन्हें आसमान से समुद्र में गिरता हुआ नज़र आता है। यहीं से शुरू हुई ये मिस्ट्री और फिर आगे इसको कई नाम दिए गए, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द एटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड, डेविल्स ट्रायंगल एंड लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। ये सारे जो नाम थे ये इसे 18th और 19th सेंचुरी में दिए गए, लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल है उसका यूज़ 1964 में सबसे पहले किया गया था। उस समय अर्गोसी नाम की एक मैगजीन थी जिसमें विंसेंट एच गद्दीस ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। विंसेंट एच गद्दीस ने इस आर्टिकल में बरमूडा ट्रायंगल में उस समय जो भी घटनाएँ हुई थी उन सब के बारे में लिखा था। ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि कुछ तो है उस जगह पर जो वाकई अजीब है, जहां पर इतने विमान और जहाज इतनी आसानी से गायब हो जाते हैं। बात है साल 1888 की, उस समय एक शिप था एलन ऑस्टिन जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 दिन तक सफर करने के बाद उस शिप के जो कैप्टन थे, कैप्टन ग्रिफिन, वो एक अनप्लैंड शॉर्टकट लेते हैं ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। वो जो उनका अनप्लैंड शॉर्टकट होता है वो रास्ता बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर ही गुजरता है। जब उनका शिप बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचता है तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक बोट नज़र आती है जो बिना किसी पैटर्न के अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ग्रिफिन ने सोचा कि इस बोट से जाकर हम थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है। तो कैप्टन ग्रिफिन उस बोट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके बीच दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से उन्हें कोई रिस्पांस समझ में नहीं आता या फिर नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि हम इसके थोड़ी और नज़दीक जाएंगे तब शायद हमें कोई रिस्पांस मिले। कैप्टन ग्रिफिन अपने शिप को लेकर उस बोट के और नज़दीक जाते हैं, फिर से वो उस बोट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद उसके कैप्टन ग्रिफिन और उनके क्रू मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बोट में जाकर देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। कैप्टन ग्रिफिन अपने मेंबर्स को उस बोट में भेजते हैं देखने के लिए कि कोई भी रिस्पांस इस बोट से हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जब उनके मेंबर्स उस बोट में जाते हैं तो वो उस बोट को देखते ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उस बोट में ना कोई क्रू मेंबर था, ना कोई कैप्टन था और ना ही कोई पैसेंजर, लेकिन उस बोट में काफ़ी सारी चीज़ें थी और वो जो चीज़ें उस बोट में थी वो बिल्कुल सही सलामत थी, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं थी। ये सब कुछ देखकर उस शिप के जो कैप्टन थे, कैप्टन ग्रिफिन, वो और उनके मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि इस बोट को हम अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क चलते हैं। वो सारे मेंबर्स उस बोट को अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। उस समय आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं भी शांत थी, लेकिन फिर अचानक से एक भयानक सा तूफान आता है और फिर वो बोट कहीं गायब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर कैप्टन ग्रिफिन और उनके बाकी के क्रू मेंबर्स थोड़ा डर जाते हैं कि आखिर ये बोट कहाँ गायब हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी दूरी पर उन्हें फिर से वो बोट नज़र आती है। कैप्टन ग्रिफिन अपने शिप को लेकर फिर से उस बोट के करीब जाते हैं और अब सबके सब फिर से शॉक्ड रह जाते हैं जब वो बोट पूरी की पूरी खाली हो जाती है। कैप्टन ग्रिफिन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को फिर से उस बोट में देखने के लिए भेजते हैं कि आखिर उनके क्रू मेंबर्स कहाँ गए, लेकिन जब वो क्रू मेंबर्स उस बोट में जाते हैं तो पूरी की पूरी बोट खाली थी। बोट जैसे उन्हें पहले मिली थी वो बिल्कुल वैसे ही थी, बस उनके क्रू मेंबर्स उस बोट से गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर कैप्टन ग्रिफिन और उनके मेंबर्स डर जाते हैं और वो उस बोट को छोड़कर वहीं पर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, और फिर अगले दिन न्यूयॉर्क में ये खबर पूरी तरीके से फैल जाती है।
1945 5 दिसंबर दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर विमान टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा से। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये अमेरिकी वायुसेना के 5 बॉम्बर्स का एक ग्रुप था जो 14 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भर रहा था। कहते हैं कि इस उड़ान के बाद इसका पता कभी नहीं चला। इस विमान के जो कैप्टन थे चार्ल्स लेफ्टिनेंट सी टेलर, वो रिपोर्ट करते हैं कि जब उनका विमान बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचता है तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपना बैकअप कंपास निकाला लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इसके बाद एक कन्फ्यूजिंग सा मैसेज रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा सुनने को मिलता है। टेलर कहते हैं, बोथ माई कंपस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लैडरेडल FLIM ओवर लैंड बट इट इज ब्रोकन। आई एम श्योर आई एम इन द केस बट आई डोंट नो हाउ फॉर डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट लैडरेडल। सिचुएशन इतनी खराब थी फिर भी टेलर लगातार रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा फ्लोरिडा स्टेशन को मैसेज दे रहे थे। और थोड़ी देर बाद सभी विमान का फ्यूल भी खत्म होने लगा और फिर लास्ट मैसेज जो फ्लोरिडा स्टेशन पर रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा सुनने को मिलता है, टेलर कहते हैं, ऑल प्लान्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, व्हेन द फर्स्ट प्लान ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन्स वी आल गो डाउन टुगेदर। और फिर एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन से उनका संपर्क टूट जाता है। मतलब साफ था कि कोई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और होता भी यही है, वो पांचों को पांचों विमान हमेशा के लिए गायब। अब फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है 13 लोगों के ग्रुप के साथ। ये ना सिर्फ हवा में उड़ सकती है बल्कि ये पानी में लैंड करने की भी क्षमता रखती है और इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। लेकिन टेक ऑफ करने के अगले 1.5 घंटे बाद ही फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए निकली सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाती है और उसके बाकी के जो 13 क्रू मेंबर्स थे वो भी गायब हो जाते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उस इलाके में अगले 5 दिनों तक 100 से ज़्यादा मिशन भेजे जाते हैं उन प्लेन्स को, उन विमान्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। और वो सब गायब भी इस तरीके से हुए थे कि ना उन प्लेन्स के और ना ही किसी मेंबर के कोई भी एक टुकड़ा भी मिला हो, वो सब बिल्कुल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अब जब ये सब इंसिडेंट्स हो रहा था तो उस समय वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कई बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ का कहना था कि यहाँ पर एलियन का इन्फ्लुएंस है जो ऐसी रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं, और कुछ का कहना है कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन अब आप शॉक्ड तब होंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये सब जो हो रहा था वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था। यहाँ पर ना तो कोई सी मॉन्स्टर था और ना ही किसी एलियन का इन्फ्लुएंस था। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जैसे मीथेन वगैरह गैसें, और जब ये गैस पानी से मिलती है तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। हालांकि जिस समय ये रहस्यमय घटनाएं हो रही थी, जिस समय ये जहाज और विमान गायब हो रहे थे, उस समय भी शायद ज्वालामुखी विस्फोट कर रही हो और उस समय मीथेन गैस ने पानी की डेंसिटी को कम कर दिया हो। जब मीथेन गैस पानी की डेंसिटी को कम कर देती है तो उस समय अगर उसके ऊपर से कोई विमान या जहाज जा रहा है तो वो पानी में डूब जाता है, या आप कह सकते हैं कि पानी में समा जाता है, क्योंकि कोई भी जहाज या विमान पानी की डेंसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, और अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि विमान या जहाज उस पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल है उसके नीचे छोटे छोटे शेप में ट्रायंगल शेप में छोटे छोटे पहाड़ हैं, और जब हवाएं उनसे टकराती हैं तो उसमें एक हलचल सी होती है और जिसकी वजह से वहाँ पर तूफान या फिर बवंडर आ जाता है, और उस समय अगर यहाँ से कोई शिप या जहाज वहाँ पर जा रही है तो वो उसमें समा जाती है। इसके अलावा समुद्र के नीचे छोटे छोटे पठार बने होते हैं जो समुद्र के ऊपर से तो नहीं दिखाई देते लेकिन समुद्र के सीधे नीचे सतह पर ही होते हैं, मतलब समुद्र के सतह पर टच किए रहते हैं लेकिन वो ऊपर से नहीं दिखाई देते, और उस समय अगर उसके ऊपर से कोई जहाज जा रही होती है तो वो टकरा कर समुद्र में गिर जाती है और गायब हो जाती है। हालांकि अब ये सब नहीं होता, अब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज आसानी से जा रही है क्योंकि आज के समय में शिप्स में रडार और सोनार लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। हालांकि उस समय ये सब नहीं होता था और इस वजह से ये एक्सीडेंट्स हो जाता था,
जिसे लोग एलियंस का इन्फ्लुएंस या फिर सी मॉन्स्टर बताते थे। आज के समय में बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अब जहाज आसानी से वहाँ से आती जाती रहती है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे बरमूडा ट्रायंगल की ये मिस्ट्री। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।